दोस्तों आज की डेट में हर किसी के पास एक सेविंग्स अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही सेविंग्स अकाउंट होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास किसी एक बैंक का सेविंग्स अकाउंट होगा, फिर भी वो दूसरे बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं। एंड जब आप सेविंग्स अकाउंट खोलने जाते हो तो आपके दिमाग में सबसे जो पहली चीज़ आती है वो है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। आप चाहते नहीं हो कि आप एक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखो। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पांच ऐसे बैंक्स बताऊंगा जहां पे आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो और वहां पे आपको बेनिफिट्स भी अच्छे खासे मिलेंगे। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी का ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों का ये ट्रस्ट इशू रहता है प्राइवेट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेकर। उनको लगता है कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक्स में पैसे डिपॉजिट करोगे या फिर सेविंग्स अकाउंट खोलोगे तो कल की डेट में अगर वो बैंक्स डूब जाते हैं तो आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, मतलब टोटली वेस्ट। बट ऐसा नहीं होता है, मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहता हूँ। आरबीआई की एक सब्सिडियरी है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी के अंदर होता क्या है कि आप भारत में जो भी बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट खोलोगे या फिर एफडी डिपॉजिट कर रहे हो, आरडी कर रहे हो, तो आपके पैसे 5 लाख रुपए तक कवर होते हैं। मान लो अगर आप आज की डेट में किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हो, वहां पे अगर आप 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो और अगर कल की डेट में वो बैंक बंद हो जाता है तो आरबीआई खुद अपनी जेब से आपको 4 लाख रुपए देगा। अगर आप 5 अलग अलग बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोले हो या फिर आपने एफडी करवाई है तो हर एक बैंक के लिए आपको 5 लाख रुपए का कवर मिल जाता है। तो पहले तो आप इस गलत फहमी को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि सिर्फ सरकारी बैंक सेफ होते हैं, बाकी जो भी प्राइवेट बैंक्स या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को डीआईसीजीसी के बारे में बता दिया है। अब इस वीडियो में जिन भी बैंक्स के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा वो सिर्फ जीरो बैलेंस के लिए है, और जाहिर सी बात है जीरो बैलेंस में बैंक का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट खोलना है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले जो बैंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है डीबीएस बैंक। आप डीबीएस बैंक में आकर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि यहां पर देखिए सबसे पहली बात आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप एक महीने में अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हो, आप कभी भी जाकर विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप पैसे डिपॉजिट भी करना चाहते हो तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक महीने में जो भी अमाउंट हो आप डिपॉजिट कर सकते हो। अब इनकी एक और फैसिलिटी है वो है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ऑटो स्वीप फैसिलिटी में होता क्या है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में एफडी वाला इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की जाती है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में आएगा वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डीबीएस बैंक में अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हो तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के ऊपर आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे आते रहते हैं, जैसे कि अगर कल की डेट में 5,000 रुपए आएंगे तो वो 5,000 रुपए ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा अगर 10,000 रुपए आते हैं तो वो 10,000 रुपए फिर से एफडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 होता है, यानी कि मिनिमम 1,000 रुपए की एफडी बनती है। और अगर आप एफडी ब्रेक करना चाहते हो तो लास्ट वाली जो एफडी क्रिएट हुई है वो एफडी ब्रेक होती है, तो ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिल जाता है अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अवेल करते हो। अगर मैं आपको डीबीएस सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको अप टू 1 लाख रुपीज अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 3.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को इसकी फैसिलिटी के बारे में बताऊं तो लगभग आपको सारी जो फैसिलिटीज है वो फ्री पे मिल जाती है। पहली बात देखिए, आपको मंथली अकाउंट स्टेटमेंट ये फ्री पे मिलता है, आपको चेकबुक फ्री पे मिलती है। वहीं पर अगर मैं आपको डेबिट कार्ड के बारे में बताऊं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड आपको एकदम फ्री पे मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को डीबीएस बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है आपकी एफडी के ऊपर, वो भी अगर आप 2 साल 6 महीने और 1 दिन की एफडी करवाते हो। और अगर आप 1 साल की एफडी करवाओगे तो 1 साल की एफडी के ऊपर आपको 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। नाउ दूसरे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आते हैं, वो है कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में आपको 2 विकल्प मिलते हैं, एक है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है एज सेविंग्स अकाउंट। तो जब आप ऑनलाइन यहां पर डिजिटल अकाउंट खोलने जाओगे आपके आगे 2 विकल्प होंगे, डिजिटल सेविंग्स और एज सेविंग्स, तो आपको डिजिटल सेविंग्स चूज करना है। अगर आप गलती से एज सेविंग्स अकाउंट चूज कर रहे हो तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा
होता वो है 10,000 रुपीज, बट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में जीरो मंथली बैलेंस होता है। यहाँ पे देखिए, जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे या फिर अगर आप ऑनलाइन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हो, तो यहाँ पे एक होता है लिमिटेड केवाईसी और एक होता है फुल केवाईसी। लिमिटेड केवाईसी में आपका वीडियो केवाईसी नहीं होता है। फुल केवाईसी अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लिमिटेड केवाईसी में आपको जो क्रेडिट अलाउ किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 2 लाख रुपए है, बट फुल केवाईसी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में देखिए, लिमिटेड केवाईसी में आपको IMPS और NEFT की फैसिलिटी मिल जाती है, बट आपको फुल केवाईसी में IMPS, NEFT और RTGS तीनों की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन लिमिटेड केवाईसी की जो वैलिडिटी होती है वो 12 महीने की होती है, लेकिन फुल केवाईसी एकदम लाइफ टाइम होता है। लिमिटेड केवाईसी में आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हो, फुल केवाईसी में आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। लिमिटेड केवाईसी में बस आधार और पैन की मदद से आप अकाउंट खोल सकते हो, बट फुल केवाईसी में आपका वीडियो वेरिफिकेशन होता है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप फुल केवाईसी करना, 2 मिनट का प्रोसेस ही रहता है, आपको बस वीडियो वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फुल केवाईसी अकाउंट हो जाएगा। कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की खास बात यह है कि आपको यहां पे अप टू 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अब अगला जो सेविंग्स अकाउंट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट में भी आपको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, जैसे कि B3 सिल्वर अकाउंट, B3 गोल्ड अकाउंट, B3 प्लैटिनम अकाउंट। तो अगर आपको जीरो बैलेंस चाहिए, आपको चूज करना है B3 सिल्वर अकाउंट, जिसे हम कहते हैं B3 प्लस अकाउंट भी। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट खोल रहे हो और अगर आप 30 डेज के अंदर 500 रुपए की स्पेंडिंग कर रहे हो, तो आपको एरोस नाउ में 6 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 2.75%। अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलकर FD भी करवाते हो, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। 1 साल की FD के ऊपर आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब अगला जो सेविंग्स अकाउंट है वो है इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। ये इंडसइंड बैंक का सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पे अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी जो है 10,000 रुपीज। ये फंडिंग करने के बाद आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो, आपको 500 रुपीज प्लस GST पे करना पड़ेगा, और जो रिन्यूअल चार्ज है डेबिट कार्ड के लिए वो भी 500 रुपीज है। इसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप इंडस डिलाइट डेबिट कार्ड की मदद से Amazon से शॉपिंग कर रहे हो, आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। स्विगी और बिग बास्केट में आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा फ्यूल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, OTT पर आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है, प्लस आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप बुक माई शो में जाकर मूवी टिकट बुक करते हो, आपको बाय वन गेट वन फ्री मूवी टिकट भी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कम्प्लीमेंटरी इंश्योरेंस भी मिलता है, यानी कि इसके साथ आपको 1.5 लाख का कम्प्लीमेंटरी इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं आप सभी को सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊं, तो अप टू 1 लाख के ऊपर आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को इंडसइंड बैंक की FD के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे आपको 7.5% का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, वो भी अगर आप 1 साल से ज्यादा का 10 ईयर चूज कर रहे हो। अब अगला और आखिरी सेविंग्स अकाउंट है RBL बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे अगर मैं आप सभी को इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊं, तो RBL बैंक में अप टू 1 लाख रुपीस के ऊपर आपको 4.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अगर मैं आपको FD के बारे में बताऊं, तो अगर आप 10 ईयर चूज कर रहे हो 453 डेज से लेकर 24 मंथ्स, तो आपको 7.8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब RBL बैंक का जो डेबिट कार्ड है, उससे आप ATM से डेली मैक्सिमम 50,000 रुपए की विड्रॉल कर सकते हो। तो यही ऐसे 5 सेविंग्स अकाउंट है जहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे कि आपको एक्सिस के साथ भी जीरो बैलेंस देखने के लिए मिलता है, HDFC बैंक में भी होता है, ICICI बैंक में भी होता है, लेकिन वहां पर आपको फीचर्स अच्छे नहीं मिलते हैं। अगर वहां पे आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करोगे, वहां पे आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। अब ये जो बैंक्स मैंने आप सभी को बताए हैं, यहां पे आपको ठीक ठाक फीचर्स मिलते हैं और जीरो बैलेंस में भी आप अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।